हेलो गाइस, दिस इज मेरा राहुल मोचिन, यू वाचिंग थर्ड रेड सी। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मर्चेंट नेवी में रेफरेंस के बारे में। तो मर्चेंट नेवी में रेफरेंस क्या होता है? अगर आपने मर्चेंट नेवी में इंटर करना है तो आप क्या करोगे? एक कोर्स करोगे, उसके बाद में उस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में एक तो जॉब सर्च करोगे, नहीं तो आपको एक स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड होगी, नहीं तो फिर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे। इसमें सबसे खतरनाक है दोस्तों एजेंट के चक्कर में पड़ना। अगर आप एजेंट के चक्कर में फंस गए तो आप 1.5-2 लाख वहीं पे ही दे दोगे और एजेंट 100% स्कैम ही करते हैं। जेन्युइन एजेंट्स मार्केट में बहुत कम है। तो उस टाइम पे कंपनियों ने क्या रास्ता निकाला है दोस्तों, अगर आपको कोई रिलेटिव, भाई बहन या फ्रेंड, कोई भी आपका रिलेटिव उस कंपनी में काम कर रहा है तो आप उस कंपनी को उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो वो कैसे है? अगर आपका कोई भाई बहन उस कंपनी में काम कर रहा है तो वो क्या करेंगे, आपका नाम उस कंपनी में रिकमेंड करेंगे कि ये मेरा भाई है और ये मेरा रिलेटिव है, वो आपके कंपनी में आना चाहता है। तो फिर कंपनी क्या करती है, उसको एक चांस देती है, उसका एक इंटरव्यू लेती है, एग्ज़ाम लेती है। वो एग्ज़ाम आपने पास करने के बाद में वो आपको उस कंपनी का एम्प्लॉय कर देती है। तो वो कंपनी आपको एक चांस देती है कि आप भी एक उनके एम्प्लॉय हो सकते हो अगर आपको उसमें एक रिलेटिव है। तो रेफरेंस 2-3 लोगों का होता है दोस्तों। एक तो मर्चेंट नेवी में एक कैप्टन का होता है, उसके बाद में कैप्टन से लेके थर्ड ऑफिसर तक आपको रेफरेंस दे सकता है। और बात करें क्रू की तो बोसन से लेके एबी तक आपको रेफरेंस दे सकता है। अगर आपका रेफरेंस कैप्टन का है तो कैप्टन का रेफरेंस आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपकी क्विक ज्वाइनिंग होगी और आपका जल्दी से जल्द एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आप उस कंपनी में एंटर कर लोगे। तो एजेंट के चक्कर में ना पड़ते हुए आप अगर रेफरेंस से जा रहे हो तो वो सबसे बेटर है। आपको उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप डायरेक्टली ITF कंपनी ज्वाइन कर लोगे। ये तो हो गई बात। और दूसरा रेफरेंस होता है MLAs का और मिनिस्टर्स का। अगर आपके पास MLA का और मिनिस्टर का लेटर है तो आप भी ITF कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। आपने बस क्या करना है, आपके MLA का और मिनिस्टर का एक लेटर लेके आना है, रिकमेंडेशन लेटर, और ITF कंपनी को देना है। तो ITF कंपनी क्या करती है कि आपको एक चांस दे देती है, आपका एक एग्ज़ाम लेती है और उसके बाद में इंटरव्यू लेती है और आपको उस कंपनी में ज्वाइन होने का मौका दे देती है। तो ये 2 टाइप के रेफरेंस आपको ITF कंपनी में और RPSS कंपनी में भी काम आते हैं। तो अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको आपकी क्यूरी का पूरा हल मिल जाएगा। दोस्तों मैं मेरी तरफ से पूरा 100% ट्राई करता हूँ कि लोगों की जो क्यूरी है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी क्यूरी आई थी और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की क्यूरी सॉल्व कर दी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।